हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये सॉक्स बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। ये सारे बिगनर्स के लिए है, जिसको नेटिंग हल्की फुल्की आती है वो इजली इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी ये सॉक्स है फ्रेंड, बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं भी ना इंक्रीज करना है फंदे को, ना ही डिस्क्रीज करना है। बिल्कुल सिंपल सी पट्टी बनेगी और ये सॉक्स मैंने 6 to 7 नंबर के लिए बनाया है। इसको मैंने ब्लैक और पिंक कलर में बनाया हुआ है फ्रेंड्स। आप कोई भी दो कलर में बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, ये डिज़ाइन मैंने आप लोग को बताया है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मेंशन कर दूँगी, इसका लिंक आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप कोई भी डिज़ाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन डाली, आप 2 कलर्स का कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप 2 कलर का कोई भी, मतलब ऐसे ही सिंपल सी निटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा है, ये पूरा यहाँ तक है और बैक साइड से ऐसे दिखेगा, फ्रंट साइड से ये हमारा लुक है। देखिए कितना प्यारा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोटल 80 फंदे लिए हुए हैं। 80 फंदे लेने के बाद फ्रेंड्स मैंने 8 सलाइयों की, यानी 4 लाइन की मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाई है। सिंपल सी बॉर्डर बनाई हुई है, देखिए गार्टर स्टिच। देन हमने यहाँ पे 3 x 3 इंच का ये पोर्शन किया है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे भी 8 सलाइयों का हमने ये बॉर्डर रखा है, 4 धारियों का, 1 2 3 4, 8 सलाई हमने निटिंग की है। दोनों तरफ हमने सीधी सीधी निटिंग की है फ्रेंड्स, और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। मेन चीज़ फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की गफ बहुत रहता है, सर्दियों में बहुत वार्म करेगा, इसलिए आप ऐसे ही डिज़ाइन बनाइए जिसमें निट बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, आप इनसी टेप से इसकी मतलब लेंथ और कितना इसकी चौड़ाई ये माप सकते हैं, लेकिन मैंने ये 6 to 7 नंबर के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पे ये 3.25 इंच की निटिंग की है, डिज़ाइन यहाँ से लेके माप और ये तक। उसके बाद मैंने 8 सलाई की ये निटिंग की है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पर कहीं भी घटाना बढ़ाना नहीं है, आप लोग ऐसे सिंपल बना ले। अब यहाँ पर देखिए हमने 10 फंदे को डिस्क्रीज करना है, यानी हमने 10 फंदे को यहाँ पे घटाना है। तो हमने 10 फंदे को कैसे घटाना है चलिए देखते हैं। देखिए बैक साइड से हमने ये 10 फंदे को घटाना है, तो यहाँ पे 2 का 1 करते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लगता है, आप अपने बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी बना सकते हैं और डेली यूज में भी बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और क्योंकि फ्रेंड हम रेडीमेड सॉक्स नहीं यूज करते हैं, क्योंकि रेडीमेड सॉक्स को हम पहन के नहीं सो सकते फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें इलास्टिक वगैरह लगी रहती है तो वो हमें सही नहीं रहता है। तो आप लोग ऐसे ही सॉक्स बनाइए, पूरा पैर भी हमारा ढका रहेगा फ्रेंड्स, प्लस ये नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे को डिस्क्रीज किया है, 6 फंदे हमने और डिस्क्रीज करना है, यानी 6 फंदे और घटाना है। तो यहाँ पर हम 2 का 1 2 का 1 करते हुए फंदे को घटा रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट 10। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 10 फंदे घटा लिए। अब हमने देखिए सारे फंदे को हमने ये सीधे सीधे बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स सभी मैं बता रही हूँ, एक सिलाई हम निट कर लेते हैं सीधे सीधे की, दोनों साइड हमने ये सीधे सीधे ही निटिंग इसकी करनी है, आप इतना केयर करिएगा। बहुत इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये सारी बिगनर्स के लिए है। इसके पहले मैंने जो सॉक्स बताए हैं वो भी बहुत इजी है, बट उसमें अंगूठा वगैरह बनाना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रिप है, आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं कि हमने इसको कितना, बहुत लोग को फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ऊँचा पहनना पसंद करते हैं, मतलब ये चीज़ हाइट इसकी, तो आप अपने हिसाब से रखिए इसकी हाइट आपने कितनी रखी। बट ये मेरा बहुत ही अच्छा है, जितना मैंने इसका मेजरमेंट बताया आप लोग उतना ही रखिएगा, क्योंकि मैंने पहन के दिखाया है ये काफ़ी हाई भी है, छोटा है ही नहीं, तो आप लोग इतना ही इसका रखिए मेजरमेंट। और बहुत ही इजी है ये, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं।
और बचे हुए ऊन से भी ये बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप कलरफुल डाल दें यहाँ पे, ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि मैं जो डिज़ाइन डालूँ वही ज़रूरी नहीं, आप लोग को जो भी डिज़ाइन आता है, कलरफुल बनाना चाहते हैं तो कलरफुल वाली डिज़ाइन, मैंने बहुत सारी डिज़ाइन बताई है, मल्टी कलर के भी, टू कलर्स के भी, तो आप लोग कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर डिज़ाइन नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सी निटिंग धारी धारी भी चेक में डाल सकते हैं। इसको हमने सारे फंदे को दोनों साइड से हमने ये देखिए सीधा सीधा ही बुनना है। इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड से पूरा निट करके फ्रंट साइड आ गए हैं। देखिए बैक साइड से हमने यहाँ पे 10 फंदे डिस्क्रीज यानी घटाए हुए हैं, क्लोज कर दिए हैं। अब हमारे टोटल यहाँ पे 17 फंदे बचे हुए हैं, 70 यानी 70 फंदे हमारे यहाँ पे टोटल बचे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे फ्रेंड्स कम से कम आपने 12 सलाइयाँ नीटिंग की करनी है। दोनों साइड हमने देखिए सीधा सीधा ही नीटिंग करके इसको कंप्लीट करना है। कम से कम हमने 12-13 सलाइयों की नीटिंग करनी है। देखिए दोनों साइड से हमने ऐसी ही नीटिंग करनी है। जब हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको मेज़र करना बताऊँगी कि यहाँ पे हमने एक सिलाई मैं निट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि हमने उसको कैसे मेज़र करना है, कि हमने ये 12 सिलाई रखनी है या यहाँ पे 13 सिलाई रखनी है। फ्रेंड्स इसको 80 फंदे से आप स्टार्ट कीजिए और 8-9 फंदे के लिए 90 फंदे यहाँ पे लगेंगे। सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस फंदे हमारे बढ़ेंगे और सब यही प्रोसेस रहेगा। 10 से 12 फंदे हमारे इंक्रीज या डिस्क्रीज होंगे बस। और फंदे अगर आपने 9 नंबर के लिए सॉक्स बनाने हैं तो 90 फंदे रखेंगे। और 6-7 के लिए ये बहुत ही अच्छा है, 80 फंदे आप रख के बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बनाना है फिर उसका मैं आप लोग को बता दूँगी अगर आप लोग को बनाना होगा तो, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हाई भी होती है काफ़ी, पूरा हमारा पैर ढका रहेगा। देखिए हम पूरा ऐसे दोनों साइड से सीधा सीधा निट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आपने इतना यहाँ पे नीटिंग करना है कि जब हम यूँ इतना हमारा नीटिंग होगा तो हमने ऐसे करना है, इस पर यहीं से हमारी स्टिचिंग होगी। तो फ्रेंड्स आपने देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई मतलब दो सिलाई की नीटिंग कंप्लीट की है। अभी हमने कम से कम 11 सिलाइयों की यहाँ पे नीटिंग करनी है। टोटल हमारे यहाँ पे 6 धारी आनी चाहिए तभी इसका मेजरमेंट सही रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे 10-12 सिलाई निट कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ निट कर ली है। देखिए यहाँ से 12 सिलाई अगर हम निटिंग करेंगे तो 6 धारी यहाँ पे बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने सारे फंदे को क्लोज कर देना है। मैंने क्लोज करना आप लोग को बताया, फंदे हमने कैसे क्लोज करने हैं। तो यहाँ पे हम 2 का 1, फिर हमने ये देखिए इसके ऊपर ला के
देखिए आपने ऐसे ही सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर लेने हैं, यानी क्लोज कर लेना है। देखिए इसके ऊपर फिर दो के साथ एक, ये देखिए हमारे फंदे ऐसे क्लोज हो गए हैं। इतना थोड़ा सा और बचा है, तो आप इन सबको भी ऐसे ही क्लोज करते हुए जाएंगे। ये बहुत ही इजी है, बिगनर्स आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें ना कहीं डिजाइन है, बस यहीं पे 10 फंदे के हमने डिस्क्रीज किया है। ऐसे अब हमने सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। बाइंड ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह ये पूरा बनकर आता है। देखिए बैक साइड से ऐसे। अब हमने सुई में धागे को इंसर्ट कर लेना है स्टिचिंग करने के लिए। तो देखिए जिस कलर का आपने, जो हमारा वेस कलर होगा उसी कलर का आपने ऊन भी लेना है। और यहाँ से नॉट लगा देते हैं। अब देखिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। आपने यहाँ पर बस केयर करना है। आप यूँ ले जाके देखिए ये वाले पोर्शन को पहले स्टिच कर लें। देखिए एक बार मैं और आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ से हमने देखिए जो 10 फंदे डिस्क्रीज किए थे, यानी घटाए थे, उसके बाद हमने यहाँ पे 10 से 12 सलाइयाँ नीटिंग की है। अब हमने ये वाला पोर्शन ले जाके ऐसे, क्योंकि ये जब आप ऐसे ले जाएंगे तो ये बराबर इसके रहेंगे। देखिए अब हमने पहले इसको स्टिच कर लेना है, तो हम चलिए इसको सिलते हैं। तो आप जैसे भी स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल, वैसे ही इसकी स्टिचिंग कर लें। देखिए हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब आपने देखिए आपने केयर करना है कि इसकी हमने सिलाई कैसी करनी। इतनी स्टिचिंग होने के बाद हमने यूं ले जाना है। देखिए ये चीज़ ऐसे रहेगा, और इस साइड से आपने इसकी स्टिचिंग पहले ऐसे करने के बाद फ्रेंड्स, फिर हमने देखिए ऐसे इसकी स्टिचिंग करनी है। ये पार्ट हमारा बैक साइड से, फ्रंट साइड से ऐसे आएगा ये वाला। तो देखिए हमने इसको कैसे सिलना है, ऐसे किया, इसको स्टिच करने के बाद ये देखिए हमने यूं, या तो आप चाहे पहले इसकी स्टिचिंग कर लें। तो फ्रेंड्स आप ऐसे इसकी स्टिचिंग देखिए, ये दोनों पार्ट पकड़ के देखिए इसको बराबर लेके पहले कर लें, या तो पहले आपने, आपको जैसे इजी लगे। देखिए फ्रेंड्स, या तो पहले आपने यूं, ये देखिए पूरी आपने ऐसे इसकी सिंपल सी स्टिचिंग कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं इसकी स्टिचिंग करना। ये हमने बराबर कर लेना है।
और आप जैसे भी स्टिचिंग करते हैं, हमेशा जैसे भी आपने स्टिचिंग करनी है वैसे इसके स्टिचिंग करना शुरू कर देते हैं। स्टिचिंग आपने इसकी केयरफुली करनी है, बस थोड़ा केयर करके करनी है फ्रेंड्स, कैसे हमने किस पार्ट पे सिलाई करना है। अब देखिए ये दोनों पार्ट को हमने बराबर करके इसकी स्टिचिंग करनी है। आपने स्टिचिंग ऐसी करनी है फ्रेंड्स कि हमारा ये बाहर के साइड से दिखे ना, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। हमने ये लास्ट में अब हमने इसको ऐसे देखिए, आपने अच्छे से इसको अपने हाथों से ऐसे प्रेस कर देना है, ये तो हमारी इधर के साइड स्टिचिंग हो गई फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए इतना पार्ट तो हमारा स्टिच हो गया, अब ये वाला ऊन हम निकाल के ये वाला पार्ट स्टिच करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी स्टिचिंग ऐसी करनी है कि ये वाला पार्ट हमारा, ये देखिए जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा ऐसे दिखना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा इसके, देखिए आप लोग को एक बार और दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर रहना चाहिए तब हम स्टिचिंग करेंगे, ताकि फ्रेंड्स जब हम ये देखिए यहाँ पे स्टिचिंग हुई है तो ये पूरा दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने इसके पार्ट को इसके ऊपर ही रख के स्टिच किया है, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए आपने यहाँ पे केयरफुली स्टिचिंग शुरू करना है, दोनों पार्ट को पकड़ के फिर हमने ये स्टिचिंग करना शुरू कर देना है। आपने ऐसे अंदर से इसके पकड़ के फिर, ताकि ये हमारा दूसरे पार्ट में फंसने ना पाए।
देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से हम इसके धागे को कट कर देते हैं। पहले हमने ये दो बार नॉट लगा देंगे टाइटली। अब इसको हम यहीं पे कट कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए कट कर लिया। अब हमने इसको सीधा करना है। ये देखिए सीधा करने के बाद हमारे यहाँ पे देखिए इसको ऐसे फिर कुछ मैंने ये हाथों से ऐसे इसको प्रेस कर लिया। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है और दोनों पैर का एक ही जैसे बनेगा। ये देखिए इधर से और ये इधर से ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं पहना के बता रही हूँ कि कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों पैर में मैंने ये पहना हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। एक ही जैसा दोनों पैर का बना है, इसमें कोई इशू नहीं है लेफ्ट राइट का। ये देखिए ये हमारा ऐसे रहेगा और इस साइड से ये ऐसे दिखेगा जो मैंने स्टिचिंग की थी कि ये ऊपर के साइड रहेगा। और ये देखिए ऐसे और ये भी फ्रेंड्स। तो कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।